खगड़िया जिले के धमदाहा प्रखंड के अंतर्गत किशनपुर बलवा पंचायत के कुकरौना वार्ड नंबर 7 में अवस्थित बाबा सर्वेश्वर नाथ शिव मंदिर में आज समस्त ग्रामीणों के सहयोग से एवं कुमुद रंजन झा की अध्यक्षता में महाशिवरात्रि पर्व का भव्य आयोजन किया गया। इस महाशिवरात्रि पर्व को बड़ी उत्साह एवं हर्षोल्लास के साथ नव युवकों के द्वारा मंदिर को भव्य तरीके से सजाकर मनाया गया। यह शिव मंदिर सिद्ध पीठ के रूप में विश्व विख्यात है। यहाँ श्रद्धालुओं के द्वारा सच्चे मन से जो भी मन्नत मांगते हैं, सर्वेश्वरनाथ उसे जरूर पूरा करते हैं। इससे मंदिर के प्रति सभी लोगों के मन में गहरी आस्था भरी हुई है। मंदिर के अध्यक्ष कुमुद रंजन झा ने बताया कि इस मंदिर की स्थापना 1997 ईस्वी में हुई, जो कि स्वर्गीय जीवत प्रसाद एवं स्वर्गीय जगन्नाथ प्रसाद के पुत्रों द्वारा किया गया था। तत्पश्चात इस मंदिर को सार्वजनिक कर दिया गया। लगातार 24 वर्षों से बड़ी ही धूमधाम से महाशिवरात्रि के साथ साथ शिव मंदिर प्रांगण से बाबा भोलेनाथ की झांकी निकालकर पूरे गांव में भ्रमण कराया जाता है। बाबा भोलेनाथ के बारात को दूध भंगा एवं मिष्ठान की पूरी व्यवस्था की जाती है। अगले दिन से शिव धुन का आयोजन किया जाता है। पावर्ड बाय मंदी किचन, इंडिया की बिगेस्ट मल्टी प्रीमियम ब्रांड ऑफ फूड डिलीवरी। श्री इवेंट, अ कंप्लीट इवेंट प्लानर। शिवरात्रि का पर्व है, इसको लेकर क्या आपकी तैयारी है? धमदाहा प्रखंड के किशनपुर पलवा पंचायत के कुकरन नंबर 1 गांव में बाबा सर्वेश्वरनाथ शिव मंदिर अवस्थित है। यह बहुत ही सिद्ध पीठ है। यह पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ग्रामीणों के द्वारा मनाया जा रहा है। सबों के बीच अपूर्व उत्साह है, सभी भक्ति भाव में लीन है। किस पर इस शिवरात्रि में जुलूस भी निकाला जाएगा क्या? हाँ, इस शिवरात्रि में डीजे के साथ जुलूस निकाला जाएगा। बराती पूरा गांव का भ्रमण होगा और उसके पश्चात जो है बरातियों को नाश्ता, दूध भंगा, जलेबी यानी मिष्ठान से स्वागत किया जाएगा। ये किसके तरफ से हो रहा है? ये ग्रामीणों के सहयोग से किया जा रहा है। क्या कोरोना गाइडलाइन का पालन होगा? पूर्णतः कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा, उसमें पूर्ण रूप से सख्ती बरता जाएगा। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ कुमुद रंजन झा, बाबा सर्वेश्वरनाथ शिव मंदिर का मैं अध्यक्ष हूँ। ऐसे ही खबरों के लिए करें Say24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।